नमस्कार दोस्तों, आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की एक बड़ी मशहूर जगह। मेरे हिसाब से दिल्ली के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है हुमायूं टॉम्ब। इसकी जो टिकट की प्राइसिंग है वो है 35 रुपये अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे और 40 रुपये अगर आप काउंटर टिकट लेते हैं। तो दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है और ये 7 दिन खुला रहता है, किसी भी दिन बंद नहीं रहता। हुमायूं टॉम्ब बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखाई देता है। इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है बिल्कुल ताज जैसा ही है, बस ताजमहल में वाइट मार्बल यूज किया गया है और हुमायूं टॉम्ब में रेड सैंडस्टोन। ये फर्क है दोनों में। कई लोग इसको दिल्ली का ताजमहल भी कहते हैं। ये हुमायूं टॉम्ब में एक छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है जिसे आप इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स का मॉडल भी है, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। वैसे जो हुमायूं टॉम्ब की टाइमिंग्स सुबह 6 से शाम 6 है, लेकिन रात 6 बजे के बाद भी यहाँ आप आ सकते हैं। रात को सिर्फ ऑनलाइन टिकट से ही एंट्री मिलती है। रात में जो लाइटिंग्स का जो नज़ारा होता है ये बहुत ही भव्य होता है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण में 1565 में बनवाया गया था और ये 1572 में बनकर तैयार हुआ। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का सेनागार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। ये मकबरा हमीदा बेगम द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया गया। काफी कम लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया वो इस मकबरे से एक सदी बाद बनवाया गया और हुमायूं के मकबरे से डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल समान है। इस टॉम्ब की जो हाइट है वो लगभग 47 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 90-91 मीटर है। हुमायूं टॉम्ब जो बना है वो जमीन से लगभग 7 मीटर की ऊंचाई पर इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। अब हम हुमायूं टॉम्ब की जो मेन कॉम्प्लेक्स है टॉम्ब के अंदर, यह वह जगह है जहां हुमायूं की कब्र है। इसके साथ ही टॉम्ब के अंदर छोटे छोटे और कमरे बने हुए हैं जहां और भी कब्रें मौजूद हैं। अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।